असलम जी आ, मैं एक चीज़ वाजे कर दूं आज मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं काफ़ी ये मुझे कुछ दिनों से हो रहे थे लेकिन मैं आज बता दूं कि आज मुझे बड़ी शदोमद के साथ मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं मैस सिग्नल रिसीव हो रहे हैं आ, दूसरी पार्टी की तरफ से कि आप इसमें सुलह कर लेनी चाहिए सेकेंडली इसके अलावा जी मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो पाकिस्तान की आवाम है जिन्होंने मेरे लिए बड़ी भरपूर दुआएँ की हैं वो भी मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग सुलह करने जा रहे हैं कल्प्रट्स के साथ तो मैं एक चीज़ वाजे कर दूँ कि सुलह तो मैंने उस वक्त भी नहीं की थी या मैं सुलह के मूड में तो उस वक्त भी नहीं था जब इस केस को लेकर मेरे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं थी अब जबकि के पूरा केस हमारी फेवर में हमवार हो चुका है तो मैं सुलह क्यों करूँगा और किससे करूंगा कल्प्रट्स के साथ ताकि आइंदा मुस्तबिल में पाकिस्तान की बच्चियों को इसी तरह इसी तरह जलील किया जाए उन्हें घरों से अगवा किया जाए और उन्हें रोन डाला जाए उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी जाए मैं सबको यकीन दिलाता हूँ और मैं मैं उन कल्पट्स को भी बता देता हूँ कि सजा आपको सज़ा मिलेगी और मुझे यकीन है कि अब आपको ख्वाब में भी लांडी जेल दिख रही होगी और आपको चक्कियाँ पीसनी जेल की याद आ रही होंगी अब आप जेल की चक्कियाँ पीसेंगे बड़ी जल्दी इसमें जितने भी लोग इन्वाल्व थे इस गैंग को लेकर इसमें जितने लोग जितने कल्प्रेट शामिल थे और जिन्होंने इसमें पार्ट प्ले किया चाहे वो कोई भी पार्ट था मैं एक दफ़ा फिर बड़े वाजल अल्फात से बता दूँ कि जिन्होंने भी इसमें पार्ट्स प्ले किए चाहे वो कैसा भी था पार्ट वो सब इनशा तल अल्लाह के अजाब में आएंगे अल्लाह की पकड़ में आएँगे अल्लाह ताली जल्द उन्हें सजा सुनाएगा पाकिस्तान की अदलिया उन्हें सजा सुनाएगी और अब उन्हें उन्हें पता चल गया है कि वो अन करीब लांडी जेल में चक्कियाँ पीस रहे होंगे तो अब वो उन्होंने अपना सिस्टम जो है वो सुलह की तरफ तेज़ किया है आ, बिल्कुल भी हम सुलह नहीं करेंगे हमें पाकिस्तान की अदलिया पर पहले भी पूरा भरोसा था आज भी है बड़ी जल्द इन्हें सज़ाएँ होंगी और इसमें जितने भी लोग शामिल हैं वो जेल की चक्याँ पीसेंगे अल्लाह हाफिज़